नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। यूपी के 25 कस्तूरबा विद्यालयों में नौकरी करके सालाना 1 करोड़ कमाने की खबर से सुर्खियों में आने वाली अनामिका शुक्ला पर अब सूबे की योगी सरकार ने सफाई दी। यूपी के कासगंज में अनामिका शुक्ला नाम से नौकरी करने वाली प्रिया को गिरफ्तार किया गया। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने मंगलवार को लखनऊ में पत्रकार वार्ता कर बताया कि असली अनामिका शुक्ला अभी भी गिरफ्तार नहीं हुई, पुलिस को उसकी तलाश है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश के 6 विद्यालयों से अनामिका शुक्ला के नाम पर 12,24,700 रुपए का भुगतान किया गया। एक अन्य प्रकरण में आया है चर्चा में, आप सबके माध्यम से भी, अन्य मामलों से भी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बड़ौत बागपत में वहां की एक अध्यापिका अनामिका शुक्ला, आरोप यह है कि 25 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत हैं और 1 करोड़ से अधिक का भुगतान हुआ है। इस संदर्भ में आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि हमने प्रेरणा डिजिटल फ्रेमवर्क बेसिक शिक्षा विभाग में पिछले कई महीनों से लागू किया है, जिसके माध्यम से मानव संपदा पोर्टल हमारा है, उस पोर्टल के माध्यम से हम अपने विभाग में कार्यरत सभी शिक्षकों का पूरा डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। हर आदमी का पूरा डिटेल उसमें है। शुरू में ये जो हमारे प्राइमरी और अपर प्राइमरी थे, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, उसमें ये लागू था, लेकिन बाद में 11 फरवरी के एक आदेश के अंतर्गत हम लोगों ने इस फ्रेमवर्क को प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भी लागू किया है। और उस लागू होने के बाद मार्च से वहां भी जो डेटा फीडिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, अब उसमें एक सिस्टम है कि अगर कोई भी सेम डिटेल दूसरी जगह फीड किया जाएगा तो वो हमारा सिस्टम हमको अलर्ट करेगा और उस फ्रेमवर्क के इस्तेमाल के कारण ये मामला पकड़ में आया है। और जो जांच हुई है उस जांच में ये तथ्य सामने आया है कि बड़ौत, हर ब्लॉक में कस्तूरबा होता है, बागपत के बड़ौत ब्लॉक में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है उसमें ये कार्यरत शिक्षिका अनामिका शुक्ला जो एक पोस्टिंग वहां पर थी, उस बेस पर चूंकि पहला डेटा वहां मिला, उस बेस पर जो जांच की गई 8 अन्य जनपदों के 1-1 कस्तूरबा विद्यालयों में, यानी कुल 9 विद्यालय, ये जनपद है वाराणसी, अलीगढ़, कासगंज, अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, सहारनपुर तथा अम्बेडकर नगर में पूर्णकालिक विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। 1 का डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल हुआ है, उस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके अन्य जगहों पर कोई और शिक्षिका अनामिका शुक्ला के नाम से गई है, उस पर नियुक्ति हुई है, ये बात सामने आई है, लेकिन कई जगहों पर योगदान नहीं किया, वहां जाकर के ज्वाइन नहीं किया, कई जगहों पर ज्वाइन करने के बाद लगातार अनुपस्थित है। तो कुल मिलाकर 6 विद्यालयों के माध्यम से अनामिका शुक्ला के डॉक्यूमेंट पर नियुक्त हुई शिक्षिकाओं को 12,24,700 रुपए का भुगतान हुआ है। उक्त मामले की अभी तक की जांच की स्थिति आई है, कहीं और इनके होने का जानकारी नहीं मिली है। पुलिस ने एक शिक्षिका को गिरफ्तार भी किया है, कासगंज में वो त्याग पत्र देने गई थी। 12,24,700 एग्जैक्टली जो अनामिका शुक्ला है वो अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, लेकिन साथ ही हम लोगों ने पूरे प्रदेश के 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लगभग 5,000 शिक्षक और शिक्षिकाओं के डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन, उनके अभिलेखों की जांच, उनका आधार कार्ड और उनके पहचान पत्र, इन सब की जांच का आदेश दे दिया है, ताकि कहीं और कोई ऐसा मामला हो तो वो भी पकड़ में आ जाए और भविष्य में इस तरह करना हो, क्योंकि ये नियुक्तियां जिला स्तर पर होती हैं, डायट प्रिंसिपल की अध्यक्षता में कमेटी होती है, उसमें बीएससी होते हैं, एक मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ होते हैं, एक डीएम के नामिनी होते हैं, संविदा पर ये नियुक्ति होती है 1 वर्ष के लिए हर जिले में जिला स्तर से, कोई केंद्रीय नियुक्ति की इसमें व्यवस्था नहीं है, लेकिन आगे से ये फुल प्रूफ व्यवस्था इसको करने जा रहे हैं ताकि इस तरह की कोई बात ना होने पाए।